तुम क्यों लगाए थे? एक मिनट कैसा लगाई कर दे रहे named as Ibadat with further delay. So ladies and gentlemen, finally without the further delay, please join me in welcoming Mr. Hiren Gada, the CEO of Shimaru Entertainment, on stage to tell us more about this app and its super duper exciting features. Come on, can we have a huge round of applause? Good evening and welcome. Sabka swagat hai and khas karke Salman bhai and Hina from who have graced the occasion. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, इस इंग्लिश में बात करूँगा, इज़ दैट फाइन? ओके. मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा. ये एक हमारे ओर से कोशिश है टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, जो फेथ है लोगों की, जो बिलीफ है लोगों की, वो बिलीफ को हम कैसे उनके हाथ में, उनके घर में और उनके दिल में हम पहुँचाएँ, उससे हम कैसे उनको जोड़ सकते हैं, ये एक छोटी सी कोशिश है. हमारी प्रेजेंस डिवोशनल कैटेगरी में करीब 10 साल से है और हमारे पास काफ़ी कंटेंट हमने बनाया है पिछले 10 सालों में अक्रॉस हर एक फेथ, बी इट हिंदू, इस्लामिक, क्रिश्चियनिटी, जैन, सिख. मोर देन 3000 घंटे से ज़्यादा कंटेंट हमने इन्वेस्ट किया है पिछले 10 सालों में. इस कंटेंट को लेके हमने कई जगह एक अच्छी प्रेजेंस बनाई है, जिससे जैसे कि DTH जितने प्लेटफॉर्म्स हैं हम सर्विस चला रहे हैं हर प्लेटफॉर्म पे, टाटा स्काई, डिश टीवी, वीडियोकॉन, हर एक पे, और ख़ास करके जो हमारी इबादत सर्विस है उस पर बहुत अच्छे हमारे फीडबैक है और अच्छे फॉलोअर्स भी हैं. YouTube पर हमने काफ़ी वीडियोस डाले हुए हैं और हर जगह कोशिश है कि हम कैसे ये लोगों को जो फेथ है उसके साथ हम कैसे कनेक्ट कर पाएँ, कैसे हम जोड़ सकते हैं उनको वो चीज़ जो हमारे इंडियननेस में खास करके जुड़ी हुई है सबसे. शिमारू के बारे में तो आप सब जानते हैं, हम 55 साल पुरानी कंपनी है और फिल्म बेस्ड हैं, लेकिन पिछले 10 सालों में हमने डिवोशन में बहुत कुछ काम किया हुआ है. और इसी दौरान हमारी मुलाकात सलमान जी से हुई और इन्होंने अजमेर शरीफ का जो हमारे साथ टाई अप किया है वो मैं समझता हूँ कि ये पूरी इस्लामिक कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ी एक नेक्स्ट स्टेप है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आज, डिजिटल मीडियम आज हर एक लोगों के हाथ में है, तो ये लेके हम अजमेर शरीफ की कई सारी चीज़ें हैं जो मैं डेफिनेटली वीडियो में आपको दिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि कैसे हम लोगों के हाथों में, घरों में और दिलों में ये फेथ पहुँचा सकते हैं. तो उसके लिए हमने काफ़ी सारी हमारी टीम ने जद्दोजहद की है और कोशिश की है कि एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके लोगों को जो सुकून चाहिए अपनी फेथ के साथ जुड़ने का, वो हम कैसे
ला पाए उनके लिए। तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं आपको एक फिल्म दिखाऊंगा जिसके जो हमारे शिमारू के बारे में और ज़्यादा करके हमारे इस्लामिक कंटेंट और इबादत के बारे में है। सो कैन वी हैव द एवी प्लीज। करना चाहूँगी मिस्टर चिश्ती जी से कि प्लीज़ वो स्टेज पर आए और शिमारू एंटरटेनमेंट के साथ उनका एसोसिएशन और इस इबादत ऐप के बारे में हम सभी को बताए। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गिव हिम अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। आदाब सलाम और आप सबको रमज़ान की मुबारकबाद के साथ यहाँ पे खैर मकदम करते हैं और शिमारू के जितने यहाँ पे ज़िम्मेदार अहदेदार यहाँ पे बैठे हैं इन सबको मुबारकबाद देते हैं कि आज 7 रमज़ान और इस मुकद्दस महीने में जो आप सब का एक विजन था, जब कुछ महीने पहले आपसे मुलाकात हुई, बात हुई अजमेर शरीफ, जब आप लोग आए, आपकी टीम के लोग वहाँ पे आए, तो उस वक्त जो हमारा नज़रिया था कि चिश्ती फाउंडेशन 10 साल से वी हैव बीन वर्किंग टूअर्ड्स टेकिंग द मैसेज ऑफ इस्लामिक स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस फ्रॉम इंडिया टू द वर्ल्ड, तो पिछले 10 सालों से करीब 40 मुल्कों के अंदर अजमेर शरीफ के साथ हमारे देश हिंदुस्तान की नुमाइंदगी करी और हमेशा मुसलसल ये कोशिश रहती थी कि किस तरह हम एम्पलीफाई कर सकते हैं इस मैसेज को, जो मैसेज सिर्फ लोगों के जहनों में नहीं है लेकिन दिलों में है। आज इन द 21st सेंचुरी व्हेन वी आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी व्हिच इज़ वेरी हैंडी, ऑलमोस्ट एवरी टाइम व्हेन वी लुक अराउंड पीपल आर मूविंग अराउंड विद देयर मोबाइल्स, उसमें कुछ काम की चीज़ें हैं, अपने बिजनेस के लिए भी लोग हैं, लेकिन अगर हम उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकें कि विद दिस एक्सेस टू टेक्नोलॉजी विद इन देयर हैंड देयर हार्ट्स कैन फील अ कंटेंटमेंट। काफ़ी लोग हैं जो अजमेर शरीफ बारगाह के अंदर ख्वाजा गरीनवास की बारगाह में हाज़िर भी हुए और काफ़ी लोग ऐसे जो ख्वाहिशमंद हैं कि वहाँ पे अगर बुलावा हो तो हाज़िरी दें। तो जब शिमारू की तरफ से प्रपोज़ल आया कि इस तरीके से हम लोगों को तक एम्पलीफाई कर सकते हैं और इट वॉज़ इन परफेक्ट लाइन वॉट चिश्ती फाउंडेशन एंड वी हैव बीन डूइंग फ्रॉम लास्ट 10 ईयर, कि किस तरीके से इस पैगाम को और जो ख्वाजा साहब का पैगाम था कि लव टूवर्ड्स ऑल एंड मलाइज टूवर्ड्स नन, मोहब्बत सबसे और नफ़रतें किसी से नहीं, यही हमारे देश हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एक ताकत भी है जिसको हम कहते हैं गंगा जमनी तहजीब और यूनिटी इन डाइवर्सिटी। सो विद दिस प्लेटफॉर्म आने वाले वक्त में भी देयर विल बी अपग्रेड्स, मुझे जहाँ तक बताया गया है कि अभी लाइव व्यू शुरू हुआ है, उसके बाद भी जो अपग्रेड्स होंगे और सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में जिसके पास भी अगर ये लिंक जाएगा जो एम्पलीफाई करेंगे, अभी कुछ दिन पहले हम न्यूयॉर्क में थे, वहाँ मैंने इसकी बात करी तो पीपल वर ऑलरेडी एक्साइटेड कि हम आना चाहते हैं गरीनवास की बारगाह में, लेकिन आने के पहले अगर कोई ऐसा ज़रिया, क्योंकि रोज़ हमारी बारगाह गरीब नवाज में दुआएं रोशनी होती है शाम के वक्त और सुबह जब दरबार शरीफ खुलता है उस वक्त दुआएं होती हैं, मुसलसल 5 वक्त जो नमाज होती है उसको भी इस ऐप के ज़रिए अगर लोग किसी भी दुनिया के कोने में बैठ के देखते हैं तो उनके दिल को एक सुकून मिलता है। और शिमारू की जो डेडिकेटेड टीम है उनसे मैंने उनको यही कहा था कि आप अपने काम को अपना जिक्र बना लें, मेक योर वर्क योर मेडिटेशन, देन इट विल बी बियॉन्ड योर कॉम्प्रिहेंशन कि हम इसको किस लेवल पे लेके जा सकते हैं। उसी के ज़रिए आज जब हम लोग यहाँ मिले हैं, इसका ऑफिशियल लॉन्च हो रहा है, आज ऑफिशियल लॉन्च है, मैं जब दिन में हमारी मीटिंग थी ऑफिस में मैंने कहा कि इसका स्पिरिचुअल लॉन्च अजमेर शरीफ में कल हो गया है, क्योंकि कल छठी शरीफ थी एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हुआ इन अजमेर शरीफ, जो इसका लिंक हमें मिला था तो काफ़ी करीब 150 लोगों ने उसको डाउनलोड करा एंड दे वर प्लेजेंटली सरप्राइज कि जब हमारा बुलावा होता है जब तो आते हैं, लेकिन कभी भी अगर दिल करे कि बारगाह गरीब नवाज को देखें या वहाँ की आवाज़ सुने, कवाली सुने, उसको देख सके, तो हम अपने मोबाइल के ऊपर जो दिन भर यूज़ करते हैं उसके ज़रिए भी हम कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक ये ज़रिया है लेकिन सुकून दिल को मिलेगा, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत मुबारक। वक्त की थोड़ी कमी है और मेरे ख्याल से इफ्तार का भी वक्त होने वाला है और कुछ और लोग भी हैं जो अपनी इजहार करेंगे, हिना मैन यहाँ पर हैं, तो आप सबको इसके लिए बहुत बहुत मुबारक, कंग्रेचुलेशन अगेन एंड वी एक्सटेंड अनकंडीशनल सपोर्ट एंड अनकंडीशनल लव फ्रॉम अजमेर शरीफ फॉर ऑल द इनिशिएटिव द शिमारू एंड ऑल द एसोसिएटेड प्लेटफॉर्म विल बी डूइंग इन नियर फ्यूचर इन टुडेज टाइम। यहाँ पे प्रेस के लोग भी आए हुए हैं तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू कि आप भी वो माध्यम बने, बिकॉज यू आर द मीडियम दैट विल टेक इट टू द पीपल, आपके हाथ में कलम है
मेरे जितने भी जर्नलिस्ट दोस्त हैं, मैं उनको यही कहता हूँ कि आपके हाथ में एक मुकद्दस अमानत है। कुरान शरीफ में आयत में अल्लाह ताला ने कलम पे कसम खाई है, वल कलम वल इंसी। तो आप लोगों के हाथ में वो मुकद्दस अमानत के जब आप लिखें तो लोगों के दिल बदल सकते हैं। तो ये पैगाम लेके जाएं ये दुआ के साथ कि जो भी आप लिखें जहाँ तक ये बात पहुँचा सकते हैं मोहब्बत की उसको पहुँचाएँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू द एंटायर शिमारू टीम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चिश्ती जी। एंड विद दैट फाइनली द टाइम हैज कम। जिनके ढेर सारे फॉलोअर्स है, ढेर सारे फैंस है, इट्स टाइम दैट वी कॉल द क्वीन ऑफ टेलीविजन हियर ऑन स्टेज। सो बिना इंतजार नहीं करते हैं और उन्हें यहाँ पे स्टेज पर बुलाते हैं। एंड लेट मी टेल यू, आप सभी की तो वो फेवरेट है ही, विच शी इज माई पर्सनल फेवरेट टू। सो विद दैट, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, लेट अस कॉल हीना खान हियर ऑन द स्टेज विद अ ह्यूज ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। एंड शी विल बी शेयरिंग हर वर्ड्स एज टू व्हाट शी फील्स अबाउट द लॉन्च ऑफ दिस एक्साइटिंग ऐप। थैंक यू सो मच। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी, बस सबसे पहले शिमारो, मिस्टर चिश्ती, आप लोगों का एसोसिएशन, आप लोगों के एसोसिएशन की वजह से आज हम यहाँ पर हैं और आज एक इतनी अच्छी पाक चीज़ हम लॉन्च करने वाले हैं। एंड वी ऑल नो वी आर हियर टू लॉन्च दिस app called Ibadat. I'd like to thank Shimaro for having me today, and it's a pleasure to be associated with people like you who are into this business since 5 decades, one of the leading content aggregators and what not. I mean, bahut sari cheeze hain jo main bol sakti hu, but unke bare mein mere bolne se ya kisi ke bolne se kuch nahi hai. It's there everywhere what Shimaro is. So I'd like to thank you all for having me. And आज अगर हम बात करें, आज हम यहाँ पर इस वक्त इबादत ऐप लॉन्च के लिए हैं। देखिए, जब मुझे इस बारे में पता चला, व्हेन आई गॉट टू नो एंड आई वाज अप्रोच्ड दैट देयर समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, माय फर्स्ट थॉट वाज हिना, आई हैव टू डू दिस। व्हाई? बिकॉज वी एज सेलिब्रिटीज, एज एक्टर्स और अ पब्लिक फिगर, टू बी वेरी प्रिसाइज, हम कोशिश करते हैं अपने ज़रिए आम लोगों तक पहुँचने की, आम लोगों तक ये मैसेज पहुँचाने की कि आपको ज़िंदगी में क्या करना चाहिए। कभी कभी हम गलत भी हो सकते हैं, कभी कभी सही भी होते हैं, और हमारे पास शायद वो ताकत है जिससे लोग हमारी बात सुनते हैं। तो आज मेरा यहाँ आना और मुझे यहाँ पर इनवाइट करने का एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैं ये आम लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, स्पेशली माई मदर। शी इज़ नॉट हियर बट आई नो वो सबसे पहले ये ऐप डाउनलोड करेंगी और वो लाइट फीड देखती रहेंगी, बिकॉज दिस, ये जो एक बहुत सारे फीचर्स हैं, बट ये एक फ़ीचर मुझे भी अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज मैं खुद अजमेर शरीफ दरगाह की बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और काफ़ी सालों से, इनफैक्ट सिंस चाइल्डहुड, मैं अपने फैमिली के साथ अजमेर शरीफ जाती थी। अभी 2-3 साल पहले भी गई थी। अगेन आई विल से, टाइम ना होने की वजह से, टाइम कंस्ट्रेंट्स होने की वजह से, यूजली यू डोंट गेट एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट अजमेर शरीफ दरगाह एवरी ईयर, बट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गो। तो आई थिंक यही एक चीज़ है जो मैं सीधे शब्दों में कहूँ, शिमारो ने ख़त्म कर दी है, जहाँ पर आप ये नहीं कह सकते, यू कॉन्ट मेक दिस एक्सक्यूज ऑफ सेइंग आई डोंट हैव टाइम। सो यू हैव टू मेक टाइम, बिकॉज नाउ इट्स ऑन योर फिंगर टिप्स। यू जस्ट हैव टू प्रेस अ बटन एंड यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, वेदर यू वॉन्ट टू ऑफर अ चादर, फ्लावर्स और ऑफर देग, या फिर अगर आप लाइव फीड देखना चाहें, आप हमेशा हर टाइम देख सकते हैं। मैं खुद भी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ, बहुत ज़्यादा दिल से मानती हूँ अजमेर शरीफ दरगाह को, तो मेरे लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती थी, एंड स्पेशली इन दिस होली मंथ ऑफ रमदान इससे अच्छी चीज़ नहीं हो सकती थी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। We'll talk more about it, by the way. So I don't want to take much time, but we'll definitely talk more about the app and the features. Till then, you all stay connected, and you please take it forward. Thank you so much. Yeah. Thank you so much, Hina. I would request you to please stay on stage. All right. And now I would request Mr. Gada and Chishti ji to please come on stage. And we have come at the moment just
पल का, जिस घड़ी का हम सभी जने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो मोमेंट आ चुका है. बिकॉज नाउ इट्स टाइम दैट वी अनवील द मोस्ट अवेटेड ऐप दैट इज इबादत. सो वी विल बी हैंडिंग ओवर द एंड्रॉइड फोन टू हीना. Yeah, so we will be showing you as to how can you use the app. So this is how the app looks like. And there are variety of hosts. And you can offer flowers also. But today, Hina is going to book a chadar. And finally, that's how you book it, just with a click. Congratulations. Hina, your chadar has been booked successfully. Well, ladies and gentlemen, Shimaru has done an excellent job that just at the tip of a finger, you can offer a chadar. Come on, let's give a huge round of applause once again for Shimaru Entertainment. Thank you. Thank you so much. I would request you all to please settle down and take your seats. So now we're going to have a small AV on as to how the Ibadat app looks like, its key features. So I will Hina and Chishti ji to please come up on stage for the photo ops. I would also request Mr. Atul Maru to please join them on stage. Once again, I would request you all to please ask only app-related questions and avoid asking irrelevant questions. Thank you. ये सवाल हिना से है. हाय हिना, पीछे सोनल, दिस साइड. हिना, इबादत की बात आपने की, आपने कहा बहुत जबरदस्त फॉलोअर हैं. तो क्योंकि आप इंडस्ट्री से जुड़े हुई हैं, आपका टाइम स्केड्यूल इस तरह का रहता है, तो पांच वक्त की नमाज आप क्या पढ़ पाती हैं? क्या वो सारी चीजें रमजान के रोजे ये सारी चीजें आप रख पाती हैं? देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, मैं नहीं कहूँगी कि मैं बिल्कुल पांच वक्त नमाजी हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता है, आई मेक श्योर, जैसे रमज़ान है अभी रिसेंटली आया, मेरे लिए भी एक टेस्ट था, मैंने मेरे सोशल मीडिया पे शेयर किया था. कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप शेयर करते हैं तो शायद एक दिखावा है या कुछ है, बट हम एज पब्लिक फिगर्स ये सोचते हैं कि शायद हमारे शेयर करने से किसी के अंदर वो कॉन्फिडेंस आए, चाहे वो दो लोगों में आए या दस लोगों में आए. मेरे वो वीडियो शेयर करने का मकसद ये था कि मैंने आई एक्सरसाइज एवरी डे, आई वर्कआउट एवरी डे, एंड आई मेड श्योर कि मैं पानी ना पी के और अपने प्रोटीन्स ना लेके भी वर्कआउट कर सकूँ. आई केप्ट इट लाइट, बट आई मेड श्योर दैट आई डू इट. मेरा जब भी रोज़ा होता है, अभी तक जितने भी रोज़े मैंने रखे. और जहाँ तक नमाज की बात है, हमारे मैं ज़्यादा इलैबरेट नहीं करूँगी, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगी कि हमारे रिलीजन में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की रियायत है. मिस्टर चिश्ती भी इस बात पे अग्री करेंगे कि हम अगर कहीं पे फंसे हुए हैं, ट्रैवल हैं, सफ़र कर रहे हैं, तो हम इशारों में भी नमाज़ अदा कर सकते हैं. तो उसके लिए आपको कोई स्पेसिफ़िक जगह या कोई स्पेसिफ़िक टाइम, या टाइम डेफिनेटली बट स्पेसिफिक जगह की ज़रूरत नहीं है. तो आई थिंक इट्स अकॉर्डिंग टू योर ओन कन्वीनियंस. क्योंकि आपने कहा ना कि जो आप सेलिब्रिटी हैं, पब्लिक फिगर हैं, तो आप जो कहते हैं वो लोग फॉलो करते हैं, इसीलिए मेरा सवाल था. क्योंकि आप अगर खुद अमल करते हैं तो सामने वालों को डेफिनेटली अमल करते हैं, ऑफ कोर्स अमल करते हैं. हाय, दिस इज उसामा फ्रॉम IWM बस.
माई क्वेश्चन इज़ टू हिना, जैसे कि हम टिपिकली देखते हैं जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए प्यार में रोज़े रखते हैं, तो क्या रॉकी आपके लिए रोज़े रखते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं. वेल द क्वेश्चन इज़ वेरी रेलेवेंट बट आई स्टिल लाइक टू आंसर दिस. ही डजंट, कभी नहीं हुआ है ऐसा. आई मीन वो ही कांट स्टे विदाउट वाटर. ओके, रमज़ान काफ़ी बरकत का महीना होता है, तो ऐसी कोई यादें रमज़ान से आपकी जुड़ी हुई हों जो आप शेयर करना चाहेंगे? रमज़ान से तो बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, बचपन से लेके आज तक. आई थिंक रमज़ान में आप जब रोज़े रखते हैं काफ़ी लंबा, और अब तो गर्मियों में और भी मतलब डिफ़िकल्ट होता जा रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जब आप साफ़ पाक नियत से अगर रोज़ा रखें तो आपको आसानी होती है. गॉड रियली हेल्प्स यू. आई फील, मैं इस चीज़ को मानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप में वो स्ट्रेंथ आ जाती है कि आप रोज़े रखते हैं. लेकिन बचपन में अक्सर ऐसा होता था कि एक छोटा सा, इट्स सिली बट आई लाइक टू शेयर, कि आई, मी एंड माई ब्रदर, लाइक वी यूज़ टू जानबूझ के सोने की एक्टिंग करते थे रोज़ा नहीं रखने के लिए. नहीं रखना है रोज़ा जब हम 5-6 साल के थे, तो 5-6 साल के टाइम से ही लाइक घर में ऐसा होता था कि कोशिश करो. कोई प्रेशर नहीं था मेरे घर में, कभी भी प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर कि नहीं तुम्हें रोज़ा रखना है. इट वॉज़ ऑलवेज लाइक कि नहीं रख पाई तो तुम पानी पी लेना, खाना खा लेना आधे दिन बाद, बट ट्राई. सो आई थिंक दैट इज़ हाउ इट इज़ विद, इट इज़ इन मी दैट आई ऑलवेज ट्राई. वो अब तो खैर बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती है, पर ऐसे बचपन की यादें हैं जहाँ पर लाइक वी यूज टू एक्ट स्लीपी एंड सो दैट वी कैन अवॉइड फास्टिंग. आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया और अब इबादत भी ऑनलाइन हो गई है, तो किस तरह से आप इसको देखती हैं? कहाँ से ये थॉट कहाँ से आया, ये आइडिया कहाँ से आया इबादत ऐप का? वेल, थॉट कहाँ से आया? जैसे सलमान जी ने बताया कि वर्ल्ड अभी डिजिटल हो गया है और हाथ में आ गया, एवरीथिंग इज़ इन द हैंड हेल्ड. तो ये थॉट हम लेके चले, इनफैक्ट आई वुड से कि 10 साल से ये थॉट लेके चले थे हम लोग, कि कैसे हम इसी के अंदर हम लोगों को जो फेथ के साथ जो कनेक्ट है वो कैसे हम दे पाए. क्योंकि जैसे अगर अजमेर शरीफ है तो लोग रोज़ रोज़ जा नहीं पाते हैं वहाँ पर, या जब भी बुलावा आता है तभी वो जा पाते हैं, लेकिन अगर वो एक्सेस है उनको तो शायद वो दिन में 2 बार उसको एक्सेस करके उस अपने जो सुकून है उनको जो चाहिए वो ला सकते हैं. इतने साल जब भी बैंडविड्थ कम थी इंडिया में तो तभी ऑडियो के थ्रू हम लोग एक्सेस देते थे इनिशियली, और फिर धीरे धीरे सो SMS ऑडियो अलग अलग तरीके से एक्सेस होता था. लेकिन अभी जो बैंडविड्थ बढ़ी है तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम वीडियो के थ्रू एंड दैट टू लाइव, क्योंकि बैंडविड्थ इसमें बहुत मतलब काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी इसमें जाती है लाइव एक्सपीरियंस देने में, तो वो पूरी जो एक्सपीरियंस है वो अभी पॉसिबल है क्योंकि इंडिया में अभी ब्रॉडबैंड का अच्छा खासा फैलाव हो गया है. तो इसलिए हमारी कोशिश तो यही है कि ऑडियो विजुअल की जो इम्पोर्टेंस है जो एज अ मीडियम, तो वो हाइएस्ट एक्सपीरियंस हम कैसे दे पाएँ. एंड एज टेक्नोलॉजी इम्प्रूव्स डेफिनेटली द एक्सपीरियंस ऑल्सो फर्दर विल इम्प्रूव. लर्निंग के जो इसी बात को आगे रखते हुए देखिए, विजुअल लर्निंग जो है इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम. एक होता है कि हम एक स्पीच दे दें, एक तकरीर कर दें, लेकिन इसके साथ साथ देखिए वी ऑल्सो हैव लॉट ऑफ एग्जीबिशंस ऑन इस्लामिक हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर. दरगाह शरीफ में भी हमने पिछले 10 सालों से सूफी रंग फेस्टिवल को इसी नज़रिए से शुरू करा था कि जिस बात को हम समझा नहीं सकते लेकिन दिखा के लोगों को महसूस कर सकते हैं. इस तरीके से अलग अलग मुख्तलिफ ज़बानों से जो लोग बात करते हैं बाहर, हिंदुस्तान के बाहर भी हम जाने लगे, तो वी स्टार्टेड टेकिंग दोज इमेजेस ऑफ अजमेर शरीफ एंड हैविंग एन एग्जीबिशन, सो पीपल कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो विजुअल लर्निंग इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मीडियम, और आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वाई नॉट टू यूज़ इट फॉर द बेटर ऑफ द सोसाइटी, एंड इट विल ऐड टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग एक्सेस. काफ़ी मरतबा हमें नहीं मिलता एक्सेस, तो लोग कन्फ्यूज होते हैं और फिर उनको पता नहीं रहता है कि सही बात क्या है और गलत बात क्या है. बट व्हेन वी हैव द मीडियम टू कम्युनिकेट एट वन टाइम विद मिलियंस ऑफ पीपल, आई थिंक दिस इज वन ऑफ द आइडियाज टू गेट डिजिटल. ओके, मेरा सवाल सलमान सर से ही है. जैसे कि हम जब दरगाह में जाते हैं और जब चादर चढ़ाते हैं तो उसका एक अलग सेटिस्फैक्शन होता है जब आप पर्सनली आप जाके चढ़ाते हैं, तो ऑनलाइन जब हम पैसे पे करके चादर चढ़ाएंगे तो वो सेटिस्फैक्शन, वो कनेक्ट ऑडियंस के साथ आपको क्या लगता है वो आएगा?
देखिए यही बात है कि जब बुलावा होगा तो लोग पहुंचते हैं वहाँ पे. सो दिस इज़ नॉट अ होल होल एक्सपीरियंस, इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्टरी एक्सपीरियंस. ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि दिस इज़ अ कंप्लीट एक्सपीरियंस ऑफ टू बी इन अजमेर शरीफ और टू बी एनी स्पिरिचुअल प्लेसेस. इट इज़ जस्ट अ इंट्रोडक्शन टू व्हाट अजमेर शरीफ इज़ अबाउट. अजमेर शरीफ में क्या रिवायतें हैं, वहाँ की क्या तहजीब है और वहाँ की क्या कल्चर है. तो जब आप पहला स्टेप लेंगे, जिसको बिल्कुल पता नहीं है अजमेर शरीफ के बारे में, अगर दे आर इंट्रोड्यूस और जब ख्वाजा साहब का बुलावा, देखिए कोई ऐप एक ज़रिया है, लेकिन जब बुलावा होगा जब भी आप वहाँ पहुँच सकते हैं. तो इसी के ज़रिए अगर लोगों को हम टच कर सकते हैं, वी कैन रीच आउट टू द पीपल विद द मैसेज, अ पॉजिटिव मैसेज, तो दैट विल बिल्ड अप इवेंचुअली बाय पीपल हैविंग अ पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो. और यह हकीकत बात है कि जो इंसान का ज़ाती एक एक्सपीरियंस होता है, पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट इज़ समथिंग विच नथिंग कैन रिप्लेस, बट देर इज़ अ मीन्स टू दैट एंड. सो दिस एप्लीकेशन इज़ अ मीन्स टूवर्ड दैट ग्रेटर एंड. I'll just add one more point over here कि while it is not the 100% experience, लेकिन क्या होता है कि एक कई समय ऐसा होता है, कई बार कि हम लाइफ में, डेली लाइफ में कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं कि हमको उस समय वो नीड होती है, वो एक फेथ होती है, वो नीड होती है, तो तभी हम, हो सकता है तभी हम नहीं जा पाते हैं, लेकिन हमने वो जो उसकी उस फेथ से जो हमको वो करना है, वो जो एक्ट करनी है, चादर चढ़ानी है, या इनफैक्ट एक बहुत अच्छी सर्विस है, इसके बारे में भी मैं एक मिनट समझाऊंगा, मन्नत के बारे में, तो वो हम इस जरिए से कर सकते हैं. और फिर जब भी हमारा, जब समय आएगा जाने का, जो बुलावा आएगा, तो हम उस वक्त जा पाएंगे. तो मन्नत जो है ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सर्विस है, क्योंकि अगेन अजमेर शरीफ और मन्नत, मतलब इट्स वन, लोग बड़ी बड़ी मन्नतें लेके अजमेर शरीफ जाते हैं, तो इसलिए हमने अगेन एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके एक मन्नत सर्विस इसमें इंक्लूड करी हुई है, ऐड करी हुई है, कि जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं जो आपकी मन्नत है, और वो प्ले आउट होगी वहाँ पर. तो दैट इज़ द बेस्ट वे दैट योर वॉइस कैन रीच देयर. तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो टेक्नोलॉजी का यूज़ है. तो यस, ये वहाँ जाने का एक्सपीरियंस डेफिनेटली अलग है, लेकिन दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट इज पॉसिबल. दैट्स हाउ आई वुड से. कड़ा जी, सोनल, दिस साइड आपसे सवाल है. इसमें अभी एक सेकंड में, इनमें जो पूछा था इन्होंने, देखिए अभी भी वी आर डूइंग दिस इंडिविजुअली, ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं हो रहा है. दिस इज नॉट एंटायरली न्यू थिंग, बट अभी हम इंडिविजुअली करते हैं. छठी शरीफ होती है, कभी होता है तो लोग कहते हैं भाई हमें जरा अपना फ़ोन ऑन कर लें, कभी फ़ोन आ जाता है किसी का, कोई दुआ हो रही है. सो पीपल आर स्टिल लॉन्गिंग टू हैव सम काइंड ऑफ कनेक्शन टू अजमेर शरीफ इन वॉट एवर वे दे कैन गेट एट दैट पर्टिकुलर टाइम. कभी रात को भी मेरे पास फ़ोन आते हैं कि भाई इसलिए दुआ कर दीजिए, हमारे पास ये मसला हो गया. कोई मसले मसाइल इंसान के साथ होते हैं, दिल का सुकून नहीं है, कोई भी आप मरहले से गुजर रहे हैं, तो पीपल स्टिल कॉल एट द मिडल ऑफ द नाइट ऑल्सो कि आप हमारे लिए जाके दुआ कर दें. सो दिस विल गिव अनदर ऑप्शन दैट पीपल कैन कनेक्ट इन अ वे टू रीच आउट टू द प्रेजेंस ऑफ ख्वाजा गरीब नवाज. गाड़ा जी, मेरा सवाल था कि ऑब्वियसली ये ऐप है और ढेर सारी सर्विसेज यहाँ पर आप लोग दे रहे हैं, घर बैठे लोग अपनी मन्नतें भी पूरी कर सकते हैं, दर्शन भी कर सकते हैं, ऑफरिंग्स भी दे सकते हैं, क्या तकरीबन क्या कॉस्ट होगा इसका? प्लस एक और सवाल साथ में जुड़ा हुआ है कि क्या जो भी कमाई होती है, जो भी ऑफरिंग्स दे रहे हैं लोग, उसका कुछ हिस्सा लोगों की मदद के लिए जाएगा या अजमेर शरीफ दरगाह में डोनेट होगा, वो भी बताइए, दोनों चीज़ें. सो द मेन ऐप जो है ये फ्री है, इसमें कोई कॉस्ट नहीं है. एक्सेस टू द मेन ऐप इज़ कम्प्लीटली फ्री. इसमें अगर आपने कोई सर्विस अवेल की है तो सर्विस की जो नॉमिनल कॉस्ट है वो कॉस्ट रहेगी. उसमें से जैसे चद्दर वगैरह है तो वो अल्टीमेटली दरगाह शरीफ पर ही वो पेश होती है, और वो पैसा दरगाह शरीफ में जाता है. आपने अगर डोनेशन दिया है तो डायरेक्टली वो पैसा वी विल पास ऑन टू द दरगाह शरीफ, एंड यू विल गेट द दरगाह शरीफ से आपको उसकी एक्नॉलेजमेंट वगैरह मिल जाएगी. तो इसीलिए आपको तबरुक वहाँ से उस तरह वहाँ से मिलेगी. तो मेन जो ऐप है ये कम्प्लीटली फ्री है. थैंक यू सो मच. वी विल हैव मोर वन ऑन वन क्वेश्चंस ऑन द राउंड टेबल, क्योंकि इफ्तार का टाइम हो रहा है. आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू ऑल टू प्लीज स्टे विद अस फॉर इफ्तार, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सेटल डाउन एंड टेक योर सीट्स.
मीना जी आपके लेफ्ट में देखिए नीचे हेलो सीधे में वी आर एन सीधे मैम यहां पर रखूंगा मीना पे सेट हीना 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 ये हमारे कि आप सब लोगों ने सवाल भी पूछा था कि 100% सेटिस्फैक्शन जहाँ तक 100% सेटिस्फैक्शन की बात आई लाइक टू टेल यू कि जब वहाँ से बुलावा आता है मैं इस बात को बहुत ही ज़्यादा दिल से मानती हूँ बिकॉज मैं बचपन से अजमेर शरीफ दरगाह जाती आई हूँ जब वहाँ का बुलावा होता है तो आप जाते ही जाते हैं तब कुछ कोई भी बाधा कोई भी परेशानी कोई भी चीज़ कोई भी रुकावट नहीं आएगी बट तब तक के लिए क्योंकि आज के टाइम में सब कुछ डिजिटल है एंड वी आर सो बिजी इन आवर लाइव्स इट्स नॉट जस्ट अबाउट मी और यू आप मीडिया से बिलोंग करते हैं और मैं शूटिंग में बिजी होती हूँ एवरीवन आई गेस एवरीवन इज सो ऑक्यूपाइड विद देयर वर्क और अगर इस बीच में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पर आप आई मीन आई वॉज जस्ट ब्लोन अवे बाई दिस फीचर ऑफ इबादत ऐप द लाइव फीड मैं गाती हूँ बाय द वे सिर्फ सुनने की बात नहीं है आप लोगों को पता नहीं है इट्स नॉट जस्ट अबाउट आई सिंग लाइक सिंग ऑल द फिल्म सॉन्ग्स आई समटाइम्स सिंग नाज शरीफ एज वेल व्हेन आई एम अलोन एंड आई रियली फील गुड ओके मैम क्या मैसेज देना चाहिए रमजान का महीना है लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे By Ramzan का महीना only for गलत काम I did not understand this. I think हमको कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए इसका रमज़ान के महीने से कोई लेना देना नहीं है रमज़ान basically एक बहुत बड़ा test है हम सब के लिए जहाँ पर आपको पूरे साल की training दी जाती है कि कैसे आप अपनी ज़बान पे control रखें आप खाना पीने पे control रखें या फिर गलत काम ना करें इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ वो महीने में नहीं करना है रमज़ान के महीने में नहीं करना है इट्स बेसिकली अ ट्रेनिंग अ सीख फॉर एवरीवन टू कंटिन्यू विद इट फॉर द रेस्ट ऑफ द ईयर आपके जो फर्स्ट टिप्स आया था आपका रमज़ान के महीने फर्स्ट डे का आई थिंक हम जो भी करते हैं अपने फैंस को खुश करने के लिए करते हैं एवरी वन वॉज आस्किंग मी अबाउट रमज़ान अपने रमज़ान विश ने कि आप रोज़ा रख रही हैं या नहीं तो जब पहला रोज़ा था सहरी के टाइम पे आई क्लिक्ड अ पिक्चर स्पेशली फॉर देम एंड पोस्टेड इट एंड एवरी वन वॉज वेरी हैप्पी जी जी बिल्कुल ये चिश्ती फाउंडेशन जो है वो बहुत ही अच्छा काम कर रही है चिश्ती फाउंडेशन जो सलमान चिश्ती जी की है जो ख्वाजा मोहिद्दीन चिश्ती की है तो जो भी डोनेशन चद्दर वगैरह की आएगी वो पूरा चिश्ती फाउंडेशन को दिया जाएगा तो वहाँ से काफ़ी काम हो रहे हैं जो गरीब नवाजों के लिए गरीब और जो मुस्लिम ऑडियंस है गरीब लोग हैं उनके लिए काफ़ी काम हो रहा है वहाँ पर अच्छा हीना जैसे आपने चादर बुक किया चादर आपने बुक कर लिया पर चादर वहाँ तक पहुँच रहा है वो चढ़ रहा है या नहीं चढ़ा इसकी अपडेट आप ये पूरी ये ऐप के थ्रू आपको मिलेगी और वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको एक रिसीट भी मिलेगी फाउंडेशन से रिसीट मिलेगी कि ये चादर चढ़ गई है चढ़ चुकी है आपके नाम से ये दी जाएगी अच्छा हीना इस ऐप का पार्ट बनिए आप जब भी कुछ करती हैं हमेशा अपने फैंस ट्रोल करते हैं आपको किसी भी चीज़ के लिए जैसे हमने रमजान भी विश किया उसके लिए भी आपको बहुत आए इस ऐप को आपने लॉन्च किया आप सर लग रहा है कि आपके फैंस इसके लिए आपको ट्रोल कर सकते हैं या इसके लिए भी आप तैयार हैं आई थिंक वो एक कहावत नहीं है कि जब आप जितना ऊपर जाते हैं तो उसके साथ बहुत सारी नेगेटिविटी भी आती है लोग आपके बारे में वो कहते हैं ना जब लोग आपके बारे में बात करना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि आप ऊपर जा रहे हैं कामयाब हो रहे हैं और कामयाब होना सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ कामयाब हुए या जहाँ पर हम हैं दैट्स दी एंड हमको आगे बढ़ना है लाइफ में अगर हम ये याद रखें कि लोग क्या बोलते हैं लोग क्या कहेंगे या ट्विटर पे क्या होता है या सोशल मीडिया पे क्या होता है आई थिंक वी ऑल विल हैव टू सिट बैक होम एंड डू नथिंग सो
it really doesn't affect me, they're wasting their time. And anyway, social media is faceless. Kaun kya bolta hai, kya nahi bolta hai, aapko bhi pata hai, mujhe bhi pata hai. So it's better that we should not really think about it and move on in life. Do good things. Last question. Sorry, mujhe sawal to sunne dijiye. Sawal ke paas camera mein memories hain bachpan ki, jaise ki aapne bola ki aap 5 saal ki umar se ja rahe hain अजमेर शरीफ. यूजुअली हम जाते थे बचपन में, आई थिंक हम विंटर्स में जाते थे. एक बहुत बड़ा रीज़न विंटर्स में जाने का ये भी होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि कश्मीर में बहुत ठंड होती थी. तो एक ये भी होता था कि विंटर्स में जाएंगे अजमेर शरीफ में, हमारे दर्शन भी हो जाएंगे. एंड प्लस आप घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उनको भी आराम मिलता है. एंड अजमेर एनीवेज इज सो ब्यूटीफुल, और दरगाह में जो आपको सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता है. मैंने अपनी आंखों से देखा है ऑल दीज इयर्स आई हैव बीन देयर कि पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड कम देयर एंड प्रे. सो दैट्स लाइक अमेजिंग, एंड इट्स जस्ट आप वहाँ जाएंगे तो आपको पता चलेगा अजमेर शरीफ एक बहुत बहुत पाक और अच्छी जगह है. अभी वो अपने मीडिया का ले कैसा है क्या बिलाल बिलाल खजूर पहचान भाई Subscribe to Viral Bollywood. Please like, share and subscribe to Viral Bollywood. Subscribe कीजिए. Please subscribe.